मैं भी है और नौकरी में भी है और वैसे भी मैं जानता हूँ व्यवसाय तो चलता ही है, लेकिन समाज का नाम तभी आगे बढ़ता है जब हम आईएएस पीसीएस बनते हैं या राजनीति में आते हैं, व्यापार में तो सभी नॉर्मल ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। आज हम बदायूं में आ चुके हैं और बदायूं में आज एक भव्य कार्यक्रम का अहिल्याबाई होल्कर का बोर्ड लगाया जा रहा था, इसी सिलसिले को लेकर हम बदायूं आए हुए हैं। और यहाँ पे साथियों, अभी हम आ चुके हैं नैना स्वीट्स में और आज हम समाज की जाने मानी हस्ती से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तमाम सारे सामाजिक विषय पे लेके चर्चा होगी और तमाम सारी चीज़ों को लेके विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे साथ में बैठे हैं अनेक पाल सिंह जो कि नैना स्वीट्स के मालिक हैं और समाज को लेके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय अक्सर देखा जाता रहा है। इस बारे में लेके समाज के बहुत ही खास शख्सियत से आप सभी लोगों की मुलाकात कराने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के बारे में? आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से देखा जाए तो समाज में पहले के मुताबिक एकता लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं सर, समाज जो है व्यवसाय में पीछे है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज का नौजवान नौकरी के पीछे ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन अपने काम के पीछे कहीं ना कहीं कम है। व्यवसाय में भी है और नौकरी में भी है और वैसे भी मैं जानता हूँ व्यवसाय तो चलता ही है, लेकिन समाज का नाम तभी आगे बढ़ता है जब हम आईएएस पीसीएस बनते हैं या राजनीति में आते हैं। व्यापार में तो सभी नॉर्मल ही रहते हैं और सारी बातें यही हैं। आगे बढ़ना है तो यही काम करना पड़ेंगे। आईएएस पीसीएस बनो ज़्यादा से ज़्यादा और राजनीति में आओ, यही होता है। सर, थोड़ा सा जनता आपके बारे में जानना चाहती है, कैसे आपका संघर्ष शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता की? संघर्ष तो पैदा होते ही करना पड़ता है हर किसी को, बगैर संघर्ष कुछ होता नहीं है। ये कामयाबी जो लेना होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना होती है, विश्वास और ईमानदारी से चलना पड़ता है, तभी कहीं जाकर पहुँचते हैं। और एक लक्ष्य लिया जाता है कि हमें ये करना है तो आप वो कर सकते हैं। इससे पहले हमारे भाई ने लक्ष्य तैयार किया था जिनका नाम था मित्रपाल, पूर्वज हैं वो इस समय नहीं है, इन्हीं ने इसकी नींव रखी और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयास की और उन्हीं के ही आगे रास्ते बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चलना है और आगे चलते रहेंगे और आगे समाज के लिए और सब जितने भी हैं हर समाज के लिए हर समय साथ रहते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और सबको यही प्रेरणा देते हैं ईमानदारी से सच्चाई से काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये कहना है कि ईमानदारी, सच्चाई, लगन, मेहनत इंसान को जीवन में आगे बढ़ाती है। सर, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ था यहाँ? सफ़र तो हमारा शुरू हुआ था लगभग 1988 से भाई का इसी में लगे हुए थे। उसके बाद हम इनसे 10 वर्ष छोटे थे, उसके बाद में हमने भी यही शुरू कर दिया। हम 1996 से हम भी लगे हुए हैं इसी में और आज मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँच पाएँ और आगे भी मेहनत करते रहें, यही है। और बहुत धन्यवाद आपका। कहीं ना कहीं साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, समाज की एक से एक बड़ी हस्ती आज समाज के साथ देने को तैयार है और कहीं ना कहीं पहले से परिवर्तन साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक देखा जाता था इंसान कामयाबी को छूने के बाद में समाज को अक्सर भूल जाया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों की मानसिकता में, लोगों की मेंटेलिटी में बदलाव देखने को लगातार नजर आ रहा है। साथियों, एक के बाद एक लोगों से हम आपकी मुलाकात लगातार कराते रहेंगे और आज जैसा कि आप सभी लोगों की मुलाकात जिस हस्ती से हमने कराई है वो नैना स्वीट्स के मालिक हैं। साथियों, धन्यवाद, आप इसी तरह चैनल पर बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।